क्या किस सिलसिले में किस जिम्मे में आप भारत सरकार का ये बार बार बोलना हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी डिसाइसिव विक्ट्री लगभग उसकी कगार पे खड़े हैं, इस बात को लेके जो हाल ही में पूंछ में हुआ उसके बाद हम फिर से भारत सरकार को चेत आ रहे हैं। तीन यार स्टिक्स हैं जिसके आधार पे हम समझते हैं कि यहाँ के हालात सुधरे नहीं है। पहला यार स्टिक है जो राजौरी पूंछ में पिछले दो साल से हो रहा है, हमारे आर्मी के जवानों की हत्याएं हो रही हैं और आतंकवाद के नाम पे किसको जिम्मेवार ठहराया गया है, किसको मार रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं लग रहा है कि राजौरी पुंछ के जंगल हमारे कंट्रोल में नहीं। दूसरी बात, दो बार भाजपा के टाइम पे दो बार कश्मीर में संपूर्ण रूप से रिलीजियस क्लींजिंग हो गई, वहां पे सिलेक्टिव जिनोसाइडल हत्याएं करके वहां से लोगों को निकाला। उस बात को का संज्ञान लिए बगैर उन सब लोगों को बोलना है कि तुम्हारी नौकरी बंद कर देंगे, तुम्हारा रोजी रोटी बंद कर देंगे, तुम उसी माहौल में रहो। तो दो रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स बीजेपी के टाइम पे हुए। दूसरी बात, तीसरी बात, जम्मू कश्मीर जो ड्रग ट्रेड का या ड्रग हब बन गया है इंडिया का, नंबर वन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को माना जाता है कि नंबर वन, लेकिन वो चार पांच स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप सेपरेट के यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर ने पंजाब को भी पीछे छोड़ा है और नॉर्थ ईस्ट को भी पीछे छोड़ा है और ड्रग का डायरेक्टली ताल्लुक रहता है इसके साथ, टेररिज्म के साथ दुनिया में। अगर ड्रग ट्रेड बढ़ रहा है इसका मतलब आतंकवादी तंत्र, आतंकवादी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाइव है और वो बढ़ रहा है।